हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो ये मेरी अलमारी रह गई थी साफ़ करने के लिए, तो उसे ही लग गई। और सॉरी जय माता दी, नवरात्रों में मेरे साफ़ सफाई के ब्लॉग आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसमें कोई ब्लॉग नहीं बनाया, बस नवरात्रि का एक बनाया, एक और बनाया तो पूरा वो हो नहीं पाया है, तो इसलिए ये लास्ट वीडियो है बस। उसके बाद में पहले के जो बने रखे हैं वही है, उसके बाद में देखती हूँ बनाऊँगी। और टाइम नहीं मिल रहा है मेरे को ब्लॉग भी बनाने का, तो इधर अलमारी रह गई थी तो मैंने पहले ऊपर से पोंछ लिए, उस दिन हटा के तो ये साफ़ कर दी थी अच्छे से, ऊपर से पोंछ लिए और इसके कपड़े सभी को खिला दूंगी। और नीचे इसमें मैंने कपड़ा बिछा रखा है, पेपर इसीलिए नहीं बिछा रखा क्योंकि पेपर को ना बार बार खींच के फाड़ देते हैं, तो इसलिए नहीं बिछा रखा। तो देखिए उस ऊपर वाले के सारे बेड पर रख दिए हैं और इसके उन निकाल लगा के रखती जाऊंगी और पोंछती जाऊंगी इसको। तो ये वाला कपड़ा मैंने बिछा दिया है, इसमें थैले वगैरह बेडशीट वगैरह ऐसे करके रखती हूँ नीचे, ऊपर वो रखती हूँ। तो मैंने सोचा था कि काम वगैरह भी मेरा होता रहेगा, तो यही अलमारी बची थी सिर पर। तो ये देखिए मेरी अलमारी लगभग साफ़ हो चुकी है और जो कपड़े निकलेंगे वो धो के फिर बाद में करूँगी। और इसमें नीचे वाले में जैसे अपना जो इस्तेमाल का बेड वगैरह और चप्पल वगैरह ये सब रखी हैं, तो इतनी जगह चप्पल पड़ी है मेरी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसमें ही सेट कर दिए हैं। इसमें अखबार है नीचे लगा के, और ये जो थैली वगैरह आती है इनमें एक जगह करके रख देती हूँ, कोई ना कोई आता जाता रहता है तो मांगता रहता है कि अभी किसी को कभी किसी को, और हमें भी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो इधर देखिए आ गई हूँ ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के लिए, और ड्रेसिंग टेबल भी अंदर ही अंदर बची थी। और सार इतनी चूड़ी है, इतनी चूड़ी चूड़ा है मेरे पास बहुत ज़्यादा, उस दिन बेड में भी निकाली थी दिखाई थी, और इधर ड्रेसिंग टेबल भी पूरी भर रखी है। तो इनको निकाल निकाल के साफ़ करती जाऊंगी, एक एक को साफ़ करूंगी खाने को, और एक एक में सामान लगाती जाऊंगी। तो समझ लीजिए कि जितनी झाड़ पहुँच थी मेरी दीपावली की पूरी सफाई हो गई है, बस कपड़े वगैरह रह गए धोने के लिए। ये लास्ट था साफ़ सफाई का वीडियो। और देखिए इतनी तो नेल पेंट रखी है, इतनी मैं दे देती हूँ, कोई ना कोई आता जाता है तो मैं दे देती हूँ, तो वो उसके बाद भी इतनी सारी रखी हैं। और मेरे को हर चीज़ का शौक़ रहता है, चाहे कुछ लगाऊं चाहे ना लगाऊं, पर शौक़ हर चीज़ का रहता है कि ये भी चीज़ इतनी होनी चाहिए मेरे पास में, वो भी इतनी होनी चाहिए। तो इधर ऊपर से ड्रेसिंग टेबल साफ़ हो गई है, मैं नीचे से कर रही हूँ। और देखिए हम सोचते हैं ना कि कुछ भी कबाड़ा नहीं है घर में, सारा कुछ हम फालतू की चीज़ निकाल के फेंक दें, और जब सफाई करने बैठो ना कुछ फालतू की चीज़ें कबाड़ा निकलता ही निकलता है, तो इतना सारा निकला है अभी। और ये देखिए इतनी सारी तो ज्वेलरी है, एक एक बॉक्स में दो दो सेट हैं ज्वेलरी के, कुछ इसमें भी भर रखी हैं, जो नीचे बॉक्स है स्लेटी कलर का उसमें भी भर रखी हैं, और ये सारे बॉक्स हैं। तो यही है, आजकल गोल्ड की इतनी नहीं पहनूँ जितनी वैसी पहनूँ, और यही अच्छी लगती हैं। तो पूरी झाड़ पहुँच हो गई है, उसके बाद में देखिए पैरदान वगैरह में ये भी धुलाई करनी है मुझे, तो बस मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और इतना सारा कचरा निकल आया है, तो और इसको मोटे मोटे कचड़े को इधर ही, इसमें पॉलीथिन पड़ी है इसमें ही भर लूँगी, नहीं तो पूरे घर में फैलता हुआ जाएगा। और कपड़े बेड पे ही निकाल के डाल रखे हैं क्योंकि जो कपड़ा देखिए इतना सारा कचड़ा निकला है। तो इधर आ गई हूँ मैं साफ़ सफाई करने के बाद पनीर को बनाने के लिए। और उस दिन संडे था, पता नहीं कौन सा दिन था मुझे पता नहीं है, तो देखिए दोनों तरफ पनीर बन रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए वो साफ़ सफाई करे आई हूँ, पनीर वगैरह बनाती हूँ, और दूध वगैरह भी रखा है, बर्तन वगैरह भी पड़े हैं। तो चलिए पहले उसकी जो मेरे सर पे चढ़ रही थी, मैंने सोचा था हस्बैंड गए थे बेटे को छोड़ने कि ये टाइम है अभी तो इसको साफ़ कर दूँ, सब्जी बनाने को लेट नहीं हुई, तो उसे करके आ गई हूँ झाड़ पोंछ करके अच्छे से। तो पनीर जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँगी। और इधर मेरे को प्यास लग रही थी तो और मलाई वगैरह प्याज वगैरह सब कुछ पीस के रख लिए, तो बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इधर मेरे नाखून पता नहीं क्यों टूट जाते हैं, इतनी जल्दी टूटते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े ही नहीं पाते हैं, इतनी जल्दी नाखून टूटते हैं। तो तेल थोड़ा सा ठंडा था, मैंने जीरा डाल के देखा उसमें ठंडा है तेल,
और इधर शायद मेरे को वीडियो कट करना था क्योंकि बड़ा हो गया है वीडियो। मैं देखती रही समझ में नहीं आया और पता चला कि काफ़ी बड़ा हो गया है वीडियो। तो सोचा था मैंने बंद कर दिया और इतना भूल गई कि बंद मैंने किया नहीं था। तो देखिए इसमें डाल देती हूँ टमाटर का पेस्ट, खाली टमाटर, और मैं दालचीनी और बड़ी इलायची साथ में पीस लेती हूँ टमाटर के। तो टमाटर अच्छे से भुन गए, बीच में बंद कर दिया था, और उसके बाद मैं मसाले डालूँगी, फिर पानी डालूँगी, फिर मलाई वगैरह डालूँगी, जो भी कुछ डालना है वो डालूँगी, और अपना बनाऊँगी प्याज का। तो नवरात्रों में तो ना प्याज लहसुन, लहसुन तो हम बहुत कम, कभी साग में ही भले तड़का लगाती हूँ, प्याज तो खा भी लेते हैं, बेटा प्याज नहीं खाता है, और लहसुन तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, पर नवरात्रों में तो बिल्कुल नहीं यूज होता मेरे घर में और होना भी नहीं चाहिए। ये मैं सोच रही हूँ प्याज भी छूट जाए, वो भी ठीक है, बेटा ने तो छूट दी, हमारी छूटेगी या नहीं छूटेगी। तो देखिए सारे मसाले डाल दिए, पनीर मसाला, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और उधर अपना तड़का लगाऊंगी, और इधर डाल देती हूँ पानी थोड़ा सा, क्योंकि पानी मसाला जले नहीं, और थोड़ी देर मसाले भुन जाएं। तो इसमें भी प्याज डाल दिए देखिए, और प्याज टमाटर फ्राई करके डालो ना तो सब्ज़ी का कुछ अलग ही दूना ही टेस्ट आता है। अगर ऐसे ही डाल दोगे तो इतना मतलब कच्चा कच्चा सा रहता है, और फ्राई करके डालोगे तो उसमें कुछ अलग ही टेस्ट रहता है। तो देखिए मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिया था, बंद था बीच में, तो क्योंकि फ्राई किया हुआ है तो इतना ज़्यादा टाइम भुनने में लगता नहीं है, थोड़ा सा ही लगता है। और बीच बीच में कभी कभी मैं भूल जाती हूँ बंद करना। तो ये देखिए पानी अच्छे से खदकने लगा है, और ज़्यादा ज़्यादा पानी नहीं डालूँ क्योंकि सब्ज़ी हो जाती है फिर ज़्यादा ज़्यादा, बहुत ही गाढ़ी ग्रेवी बनाऊँगी, बहुत ही मतलब ठीक ठाक बनाऊँगी। और मैं जल गई थी हाथ में, तो देखिए मसाले टमाटर प्याज भून चुके हैं, तो इसमें मसाला डाल देती हूँ अच्छे, जो भी मसाला मेरे को डालना रहता है। और इसमें डाल दी है मलाई, काजू वगैरह जो पीस के रखे थे, मगज़, काजू, मलाई, मखान वगैरह सब कुछ पीस लेती हूँ उसमें, तो वो डाल दिए। नमक डाल दिया है, और इसमें भी नमक डाल दिया था, उसमें वो तो सब्ज़ी बन गई, और ये वाली इसमें भी पनीर डाल दिया। तो देख सकते हो आप इतनी गाढ़ी सब्ज़ी है, एकदम मलाई पनीर है। तो डाल देती हूँ कस्तूरी मेथी, इसको खदकने देती हूँ, तब तक कर लेती हूँ बर्तन वगैरह साफ़, क्योंकि बर्तन वगैरह इतने सारे पड़े हैं बहुत। और देखिए सब्ज़ी में उबाल भी आने लगा है, मैंने बस छोड़ी थी क्योंकि गाढ़ी सब्ज़ी थी, और पहले उसमें क्या हुआ था खदका वगैरह आ गया था, तो अच्छे से आ रही थी, और सच में बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी पनीर बना था। तो पहले मैं इसको टोकरी को अच्छे से धो लूँगी सारी को, और उसके बाद मैं बर्तन को धो धो के पहले रखूँगी, उसके बाद मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि ऐसे ही बर्तन साफ़ करते जाओ तो क्या होता है ना कि मैं ऐसे कभी बर्तन साफ़ नहीं करती। बहुत से लोग मैंने देखा है कि झूठे बर्तनों में ऐसे जूना वगैरह डाल देते हैं, और मैं ऐसे नहीं करती हूँ, पहले मैं उनको बर्तनों को साफ़ करती हूँ, उसके बाद मैं जो भी कुछ करती हूँ। तो चलिए फिर बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं, और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है, बिल्कुल भी, जिस हिसाब से सब्सक्राइबर हैं उस हिसाब से सपोर्ट नहीं मिलता है। देखिए ढेर सारे बर्तन हैं, और बातें भी करते हैं, बर्तन भी साफ हो ही चुके हैं। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ। मैं देखती हूँ नवरात्रों का वीडियो एक आध बन जाएगा तो कोशिश करूँगी डालने की, क्योंकि बन नहीं पा रहा है इसलिए मैं नहीं डाल पा रही हूँ, तो कोशिश तो है कि करूँ। तो चलिए फिर बाय, बर्तन पूरे साफ़ कर दिए मैंने, और इसको भी आज अच्छे से धो दिया है। तो कल मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ, बाय।